स्वागत है विद्यार्थियों आप जी का अज की क्लास के विच। अज मैं चरणप्रीत सिंह मास्टर जौड़ लंगल डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर आप जी नाल जिहड़ा विशा सांझा करन जा रहा हाँ उस दे बारे तुसी पिछले कुछ चैप्टर्स दे विच पिछले कुछ अध्यायों दे विच इहदे बारे जानकारी प्राप्त कर चुके ने। अज असी पाठ 11 बीज गणित दा ओ टॉपिक करांगे जिस तों तुसी अजे तक जानकारी प्राप्त करन तों वांझे ने। अज असी वेरिएबल भाव के चल दे बारे जानकारी प्राप्त करांगे। वेरिएबल ओ नंबर हुंदे आ ओ संख्यावां हुंदियां वा जिहड़ियां उहनां संख्यावां तों बिल्कुल हटके आ जिहड़ियां असीं हुण तक पिछलियां जमातां विच सिखदे रहे आ जिवें कि 0, 1, 2, 3 सो ऑन। इह संख्यावां असीं पूर्ण संख्यावां जां संपूर्ण संख्यावां दे रूप च पिछले अध्याय विच सिख चुके आ पर वेरिएबल भाव के चल इन्हां तों अलग हुंदे आ। वेरिएबल इंग्लिश अल्फाबैट दे ओह अक्षर आ जिन्हां दी वैल्यू हर सवाल दे अकॉर्डिंग हर सिचुएशन दे अकॉर्डिंग बदलदी रहिंदी आ। वेरिएबल दे तौर ते असीं समाल ए समाल बी समाल सी और सो ऑन एक्स वाई और जैड कोई भी इन्हां दे विचों अल्फाबैट यूज कर सकदे आ। वेरिएबल भाव के चल उस सारे अक्षर जिन्हां दा हर सवाल दे अकॉर्डिंग वैल्यू बदलेगी। अज इस अध्याय दे विच इस सब टॉपिक दे विच असीं तुहाडे नाल एक नवीं चीज की सांझ पावांगे जिस दे विच असीं सिखांगे कि जिहड़े वख-वख तरां दे नियम असीं हुण तक पिछले अध्याय विच पढ़ चुके हाँ उस नूं वेरिएबल यूज करके किस तरह एक नवे फार्मूले दा रूप देवांगे। सब तों पहलां असीं कुछ सधारण नियमां दी गल करांगे जिहड़ा कि साडे टॉपिक दा नां आ सधारण नियमां विच चल दी वरतों यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स। कुछ सधारण नियम जिवें कि तुसीं अध्याय 2 जिहड़ा कि संख्यावां नाल संबंधित सी पूर्ण संख्यावां नाल संबंधित सी उस विच असीं वख-वख नियम पढ़े जिवें कि वंडकारी दा गुण सहचारता दा गुण या फिर कर्म वटांदरा गुण इस तों अलावा ज्योमैट्री भाव के ज्यामिति दे विच असीं कुछ नियम पढ़े आ जिस दे विच असीं वर्गाकार अते आयताकार वख-वख ज्योमैट्रिकल फिगर्स दे परमाप पता कीते सी पर ओह फार्मूले असीं जस्ट वैल्यूज दे रूप च देखे सी। अज असीं उहनां सारे फार्मूलेज नूं डिड्यूस करांगे इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। हाँ जी अज कुछ सधारण नियमां नूं चल विच प्रयोग करके आपां एक नवा फार्मूला डिड्यूस करने की कोशिश करांगे। सब तो पहलों असीं ज्यामिति दे नियमां दे बारे गलबात करांगे कि ज्यामिति भाव के ज्योमैट्री कुछ ज्योमैट्रिकल फिगर जिवें कि मैं तुहाडे नाल ऑलरेडी सांझा कर चुका वां वर्गाकार फिगर या आयताकार फिगर इन्हां दे परमाप नूं किस तरह असीं वैल्यू फार्मूले दे रूप च फाइंड करांगे यूजिंग द वेरिएबल ज्यामिति विच चल दी वरतों। ज्यामिति दे विच सब तों पहली जिहड़ी आपां फिगर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हां ओह हैगा जी स्केयर जिस नूं कि असीं वर्ग कहिंदे हां। स्केयर जिस तरह कि तुसीं भली भांति जाणो जे वर्ग एक क्लोज्ड फिगर हुंदी आ जिस दे आ चार भुजावां हुंदियां हन अते चारे कोण 90 डिग्री दे हुंदे हन ते इसदी इक खासियत इह आ कि इहदियां चारे भुजावां भाव के मैं तुहाडे सामने एक ए बी सी डी वर्ग बनाया आ चारे भुजावां ए बी बी सी सी डी ते डी ए इह चारे भुजावां बिल्कुल बराबर आ। तुसीं अपने आले दुआले अपने घरां दे विच कुछ वर्गाकार तस्वीरां देखियां होणगियां फॉर एग्जाम्पल आम तौर ते घरां दे विच जिहड़ी आपां टाइल लगाउंदे आ मोस्टली घरां दे विच वर्गाकार टाइल हुंदियां वा किसे घरां दे विच फुट बाय फुट दी टाइल लगी हुंदी वर्गाकार किसे घर दे विच 2 फुट बाय 2 फुट दी टाइल लगी हुंदी आ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਇਲਸ ਵਰਗਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾ ਉਸੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਫਿਗਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤਰਮਿਤੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਪ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਪ੍ਰਮਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ
किसी भी क्लोज फिगर दिया चार भजावां जां उहदियां सारियां बाहर दियां भजावां दा जोड़, जे त्रिभुज आ तो उहदियां तिन्नां बाहर दियां भजावां दा जोड़, जे वर्गाकार चीज आ तो उहदे चार भजावां दा जोड़, जे पेंटागन आ तो उहदियां पंजां भजावां दा जोड़, इस तरह सुहावन बाहर दियां सारियां भजावां दे जोड़ दिए तो परमात्मक हुंदा है। इस तरह साडे कोल इक क्लोज फिगर है एबीसीडी, इसकी सानूं भुजा नहीं पता, असीं मन लवांगे कि इसकी भुजा एल है। इत्थे एल एक वेरीएबल है, एल एक इंग्लिश अल्फाबैट का अक्षर है जिहड़ा एक वेरीएबल है। यह वेरीएबल की वैल्यू जिस तरह कि मैं तुहानूं पहलां भी समझा चुका वा हर सवाल के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। वेरीएबल चल हुंदे हन जिन्हां दी कोई फिक्स वैल्यू नहीं हुंदी, वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती रहेगी। इस ए बी सी डी जिहड़ा कि आपां एक वर्ग बनाया है, इस दे विच असीं भुजा आपां एल मान लैंदे हां। जे पहली भुजा एल है तो वर्ग की परिभाषा के अनुसार दूसरी भुजा भी एल होएगी, तीसरी भुजा भी एल होएगी, तो चौथी भुजा भी एल होएगी, क्योंकि चार ही भुजावां एल हन। तो परमाप किसी भी क्लोज्ड फिगर का की हुंदा है जी, परमाप उस दीयां चार भुजावां दे जोड़ हुंदा है। इस करके इसका परमाप की होएगा, ए बी भुजा की लंबाई जो कि एल है प्लस बी सी भुजा की लंबाई जो भी एल है, सी डी भुजा की लंबाई वह भी एल है, तो डी ए भुजा की लंबाई वह भी एल है। एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, एक एल से दूजा एल जोड़ दिए दो एल हो गए, एक होर एल जोड़ता तीन एल बन गए, एक होर एल जोड़ता चार एल बन गए, साढ़े को फार्मूला बन जाता जी फोर एल। परमाप भाव के पैरीमीटर जिसनों असी पी का नाम देख सकते हैं, क्योंकि एल एक वेरीएबल है, इस करके एल जिमें जिमें चेंज होता जाएगा वो अकॉर्डिंग पैरीमीटर पी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इस करके एल दी वैल्यू चेंज होने पी बदलेगा, इस करके पी एल से डिपेंड करता है। सो पी भी एक वेरीएबल है। सो आपां जिहड़ा फार्मूला फाइंड कर लिया जी वर्ग के परमाप का, वह हैगा जी पी इक्वल टू फोर एल। प्यारे विद्यार्थियों आओ हुण आपां ज्यामिति भाव के ज्योमैट्री की दूसरी फिगर के नाल डील कर जाइए, जिसनों कि असी आयत कहने हैं। आयत भाव के रैक्टेंगल। विद्यार्थियों तुसी अपने घरां विच या अपने आले दुआले काफ़ी कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी शक्ल आयताकार होवे, जिवें कि तुहाडे घरां दे रोशनदान, घरां दे दरवाजे, उस तों अलावा खिड़कियां, या साडे घरां विच जिहड़े ट्रंक या पेटियां हुंदे हन उसके उपर वाला हिस्सा। इस तों अलावा तुसी होर भी काफ़ी कुछ आयताकार देखा होगा साडे आले दुआले या अपने स्कूल दे विच। अज असीं देखांगे कि इस आयताकार फिगर का परमाप वक् वक् वेरीएबल यूज करके किस तरह फाइंड करना है। असी पिछले पाठ भाव के खेत्र मिति विच परमाप आयत का किस तरह फाइंड करना वैसे पता कर चुके हैं। सानू पता है कि परमाप आयत का की हुंदा बच्चो, वो बराबर है दो लंबाई जमा दो चढ़ाई। अज असी इस फार्मूले नू वेरीएबल यूज करके फाइंड करांगे। आओ सीखिए आयत। आयत भी एक क्लोज्ड फिगर है जिस दियां चार साइडां हन। आयत दे विच वर्ग तो एक डिफरेंस हुंदा है कि आयत दियां चारे भुजावां बराबर नहीं हुंदियां। आयत दियां आमणे सामणे दियां भुजावां बराबर हुंदियां हन, जिस तरह के ए बी भुजा सी डी भुजा दे बराबर होएगी अते ए डी भुजा बी सी भुजा दे बराबर होएगी। आओ असी इसका परमाप पता करन दे लई दो वख वख चालां दी वरतों करिए। असी मान लेंदे हाँ कि इसकी लंबाई ए बी एल दे बराबर है अते चौड़ाई बी सी बी दे बराबर है। इत्थे एल अते बी दो चल हन, भाव के दो वेरीएबल हन। इन्हां चलां दी वैल्यू हर सवाल दे अकॉर्डिंग, हर सिचुएशन दे अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। जिस तरह का सवाल होएगा उस अकॉर्डिंग ये चलां दी वैल्यू बदल जाएगी। सानू पता है कि ए बी भुजा जी एल है तो ए बी की लंबाई कितने बराबर है बचियो, सी डी के बराबर, इस करके सी डी की लंबाई की होगी एल। इस तरह जो बी सी बी चौड़ाई यदि बी है, बी वेरीएबल चौड़ाई को मनिया आपां, तो वो सामने ए डी भुजा वह भी बी होएगी। हुण असीं पता करते हाँ इसका परमाप का फार्मूला की आएगा। सानू पता है कि परिमाप भाव के पैरीमीटर कितने बराबर हुंदा है, चार भुजावां का जोड़। पर इसकी पहली भुजा ए बी उसकी लंबाई की है जी एल, दूसरी भुजा बी सी उसकी लंबाई की है बी,
तीसरी भुजा सी डी उसकी लंबाई की है एल, चौथी भुजा बी ए इसकी लंबाई की है बी, इथे एल बी एल ते बी ये सारे वेरिएबल हैं चल हैं। हुण एक बच्चो एल ए है एक एल ए है, एल प्लस एल किन्ने एल बन गए जी टू एल, इस तरह ही एक बी आ है एक बी आ है, बी प्लस बी किन्ने बी हो गए टू बी। सो बचियो साडे कोल की फार्मूला रिड्यूस हो गया, साडे कोल प्रमाप भाव के पैरीमीटर पीक के बराबर आ गया टू एल प्लस टू बी। जिस तरह के असी खेत्र मिति वाले पाठ में पढ़ चुके हाँ आयत का प्रमाप रैक्टेंगल का पैरीमीटर किस दे इक्वल होंदा है दो लंबाई जमा दो चढ़ाई, असी इस नूं वेरिएबल यूज करके एक फार्मूले के रूप में डिड्यूस कर चुके हाँ। की फार्मूला बच्चों आप लिखते हैं इधर पी इक्वल्स टू भाव के पैरीमीटर इक्वल्स टू टू एल प्लस टू बी, इत्थे एल लंबाई नूं दर्शाउण वाला एक चल है अते बी एक चौड़ाई नूं दर्शाउण वाला चल है। इस तरह विद्यार्थियो आपां चलां दी वरतों करके प्रमाप पता करन दा एक फार्मूला बना लिया जी आयत दा, वो की है पी इक्वल्स टू टू एल प्लस टू बी। सो विद्यार्थियो हुण तक असी जमैट्री दे कुछ नियमां नाल सांझ पा चुके हां, असी दो फार्मूले ड्राइव किते, पहला वर्ग का प्रमाप अते दूसरा आयत का प्रमाप। इन्हां दे विच असी वख-वख चलां दी वरतों कीती, वख-वख वेरिएबल्स की वरतों कीती ते जनरल फार्मूले तैयार किए। आओ विद्यार्थियो हुण असी कुछ अंकगणित दे नियमां नाल सांझ पाईए अते देखिए कि असी अंकगणित दे नियम किस तरह चलां दी वरतों करके ड्राइव कर सकते हां। अंकगणित दे नियम भाव के अरिथमैटिक दे कुछ नियम, अरिथमैटिक दे नियम जिसनों के असी अंकगणित भी कहते हैं। विद्यार्थियों तुसी अध्याय दो विच पूर्ण संख्यावां वाला पाठ पढ़िया, उस विच तुसी सिखिया होगा कि वख-वख संख्यावां दे वख-वख गुण किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुसी उस पाठ विच कर्म वटांदरा गुण संख्यावां दा पढ़िया होगा, उस तो अलावा सहचारता का गुण पढ़िया होगा, उस तो अलावा वंडकारी गुण पढ़िया होगा। आओ थोड़ा जिहा मैं तुहानूं उस चैप्टर पर लैके जावां ते संख्यावां दे नाल दुबारा खेडण दी कोशिश करिए। विद्यार्थियों आप तुसी की देख रहे हो, तुसी देख रहे हो यह मेरिया चार उंगलां ते तीन उंगलां है, ठीक है जी। चार ते तीन नूं मैं जोड़ा ते किन्ना आंसर आएगा, किन्नी उंगलां बन जाणगियां टोटल सत उंगलां। हुण जे मैं इहनां दा क्रम बदल दवां भाव के तीन उंगलां अगे लै आवां अते चार पिछे लै जावां, की उंगलां दी गिणती वध घट गई? बिल्कुल नहीं, उंगलां ते सत ही रही। इसे चीज नूं संख्यावां दा क्रम वटांदरा गुण कहिंदे हन। पहला चार अगे सी तीन पिछे, बाद विच मैं की कीता मैं तीन नूं अगे लै आया ते चार नूं पिछे लै गया, इस दे नाल गिणती दे विच जोड़ च कोई फर्क पिया? बिल्कुल नहीं, यही संख्यावां दा क्रम वटांदरा गुण है। क्रम वटांदरा दे विच असी की करदे हां, असी संख्यावां दे क्रम बदल दिंदे हां, भाव के उन्हां दी पोजिशन बदल दिंदे हां। पोजिशन बदलन दे नाल की जोड़ विच कोई फर्क पिया? बिल्कुल नहीं। कर्म वटांदरा दे विच दो तरह के नियम आपां पढ़ांगे, सब तो पहला कर्म वटांदरा दे विच जोड़ दा नियम पढ़ांगे, उस तो बाद कर्म वटांदरा दे विच असीं गुणा दा नियम पढ़ांगे। सब तो पहलो कर्म वटांदरा विच जोड़ दा नियम, जोड़ दा नियम जिस तरह बचियो मैं तुहानूं हुणे एक उंगलां वाली उदाहरण दित्ती। आपां कोई दो संख्यावां लै लैंदे हां, मान लो एक संख्या तीन है अते एक संख्या दो है, इन्हां दोवां नूं जोड़ो की आंसर प्राप्त करोगे? पंज। हुण मैं इन्हां दोवां संख्यावां दे क्रम बदल दिंदा, दो नूं मैं अगे लै आउंदा हां अते तीन नूं मैं पिछे लै जांदा हां, की बचियो इन्हां दे आंसर विच कोई बदलाव आवेगा? बिल्कुल नहीं। जिस तरह तीन जमा दो दा पंज आंसर आया सी, दो जमा तीन दा भी की आंसर आएगा? पंज। यही बचियो संख्यावां दा क्रम वटांदरा गुण है, भाव के तीन जमा दो बराबर है दो जमा तीन। आओ हुण असी इन्हां नूं वेरिएबल यूज करके एक
जर्नल फॉर्म दे विच नियम बनाने की कोशिश करिए। मान लो मेरे को एक वेरीएबल ए है और एक वेरीएबल बी है, असी जर्नल संख्यावां दी जगह ते दो कोई वेरीएबल यूज कर ले ए अते बी। ए दा मुल कुछ भी हो सकता है, ए एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, एनी नंबर। इसे तरह बी भी कोई संख्या हो सकती है। हुण जिस तरह तीन जमा दो बराबर है दो जमा तीन, जे मैं तीन की जगह ते ए लिखा अते दो की जगह ते बी लिखा, तो जिहड़ा ए जमा बी करके आंसर आएगा कि वो बी अते ए नूं जोड़न तो बाद आंसर आया प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल तीन की जगह ते बच्चों ने की लिख दिता ए, दो की जगह ते की लिख दिता बी। आ देखो बच्चो तीन की जगह ते मैं बच्चों की लिख दिता ए, तो दो की जगह ते की लिख दिता बी। तीन नूं ए नाल रिप्लेस कर दो, दो नूं बी नाल रिप्लेस कर दो, ए जमा बी कि बराबर आ गया बी जमा दे ए दे। यही बच्चो जोड़ दे नियम का कर्म वटांदरा गुण है। आओ हुण असी गुणा का कर्म वटांदरा सीखने की कोशिश करिए। इस दे विच असी की करांगे, जिस तरह असी दो नंबर लए सी ए ते बी अते दोवां नूं जोड़िया, फिर असी उन्हां दा कर्म बदलिया, ते कर्म बदलन तो बाद जिहड़ा आंसर प्राप्त होया वह दोवां केसां दे विच सेम सी। हुण असी गुणा दे विच चैक करांगे कि गुणा दे विच भी इह नियम होल्ड करदा है। आओ बच्चिओ असी देखिए, जे मैं एक अखर नंबर लैंदा हां चार, एक नंबर लैंदा हां तीन, तो चार नूं तीन नाल गुणा करन ते की आंसर आएगा? तुसीं सारे पढ़े चंगी तरह जानते हो चार तीय किन्ने हुंदे आ 12। हुण मैं इहनां दा क्रम बदलन जा रहा हाँ, मैं तीन नूं अगे लिख दिंदा हाँ अते चार नूं पिछे लिख दिंदा हाँ, ते तीन चौके बच्चों किन्ने हो गए? वह भी 12। इसका मतलब है जिस तरह जमा दे विच जोड़ दे विच कर्म वटांदरा गुण सच सी, उसे तरह गुणा दे विच भी कर्म वटांदरा गुण होल्ड करता है। इस नूं मैं जनरल फॉर्म दे विच रिड्यूस करन लई, जनरल फॉर्म बनाउण लई मैं कोई दो वेरीएबल लै लैना हाँ ए अते बी। मैं दो वेरीएबल लै लए ए ते बी। हुण मैं चार की जगह ते ए लिख दिंदा हाँ ते तीन की जगह ते बी लिख दिंदा हाँ, विच गुणा का निशान। जिस तरह चार गुणा तीन ते तीन गुणा चार का मुल बराबर सी, चार गुणा तीन अते तीन गुणा चार का मुल बराबर आया, इस तरह की मैं कह सकता हाँ जिहड़ा आंसर ए नूं बी नाल गुणा करन ते आएगा उही आंसर बी नूं ए नाल गुणा करन ते आएगा। विद्यार्थियो यही साडा गुणा का कर्म वटांदरा गुण है। भाव के दो नंबर नूं गुणा करन समय जे असीं उहनां दा क्रम बदल दिंदे हां, पोजिशन बदल दिंदे हां, ते साडे जवाब विच आंसर विच कोई भी चेंज नहीं होएगा। यही साडा गुणा का कर्म वटांदरा गुण है। सो प्यारे विद्यार्थियो, असी हुण तक अंक गणित दे दो नियमां नाल बड़ी वधिया सांझ पा चुके हैं। पहला है जोड़ दा कर्म वटांदरा गुण अते दूसरा है गुणा दा कर्म वटांदरा गुण। आओ असी एक होर गुण दे नाल सांझ पाईए जिहड़ा कि असी आलरेडी अध्याय दो पूर्ण संख्यावां विच पढ़ चुके हैं, वह है वंडकारी दा गुण। वंडकारी दा गुण जिसनूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहा जाता है, संख्यावां दे विच डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भाव के वंडकारी का गुण किस तरह अपलाई हुंदा है, आओ असी उहदे बारे देखिए। कोई दो संख्यावां लो, मान लो मैं एक संख्या लै लैना हाँ सत्त अते एक संख्या लै लैना हाँ तेई। दो संख्यावां नूं जे आपां गुणा करना चाहिए सत्त ते तेई नूं, ते इह साडे लई थोड़ा जिहा औखा हुंदा है क्योंकि असी तेई का पहाड़ा नहीं जाणदे। आम तौर ते असी इह गुणा किस तरह करदे हाँ, तेई उपर रख के सत्त नूं थले रख के जिहड़ा साडा ट्रडिशनल मैथड है गुणा करते हाँ। की हुंदा है बच्चिओ? सत्तू दी इक्की, इक्की दे विचों एक इत्थे ला लैंदे हां ते दो हासल रख लैंदे हां। सत्तों दूनी चौदह, चौदह जमा दो कितना बन गया जी सोलह, साडे को आंसर आ गया 161। आओ असी इस गुणा नूं बड़े रौचक तरीके नाल करन की कोशिश करिए वंडकारी दा गुण उपयोग करके। देखो बच्चिओ सत्त गुणा की मैं तेई नूं भी जमा तीन दे रूप विच लिख सकदा हाँ, क्योंकि तेई भी ते तीन का जोड़ ही है, इस करके मैं तेई नूं भी जमा तीन के रूप में लिख सकता हाँ। हुण सत्त बच्चों जिहड़ा बाहर गुणा है ब्रैकट के बाहर सत्त गुणा है, मैं इस सत्त जिहड़ा गुणा होया है वंडकारी गुण का उपयोग करके ब्रैकट के विच जिहड़े दो अक्षर जमा हुए हैं
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 7 ਗੁਣਾ 20, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪਿਆ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ 7 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, 20 ਦਾ ਭਾੜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 20 ਗੁਣਾ 7, 20 7 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ 140, ਜਮਾਂ 7 ਤੀਏ 21, 140 ਜਮਾਂ 21 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, 161। ਇਹ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੰਡਕਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਗਣਿਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਨ, ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਨ, ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖਿਓ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਏ ਗੁਣਾ ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ 7 ਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਅਤੇ 3 ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਏ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, 20 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਏ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵੰਡਕਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬੀ ਪਲੱਸ ਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੰਡਕਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਏ ਸੀ, ਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੀ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ, ਏ ਗੁਣਾ ਬੀ ਜਮਾਂ ਏ ਗੁਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੰਡਕਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4, ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5, ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਏ ਦਾ ਮੁੱਲ 4 ਲਿਆ, ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 5 ਲਿਆ, ਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 2 ਲਿਆ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਏ ਗੁਣਾ ਬੀ ਪਲੱਸ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਏ ਦਾ ਮੁੱਲ 4 ਭਰੋ ਜੀ, ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ, ਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 4, ਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਤਾ 5, ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਤਾ 2। ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, 5 ਜਮਾਂ 2 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 7, ਤੇ 7 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 28। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਵੰਡਕਾਰੀ ਗੁਣ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 28। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੰਡਕਾਰੀ ਗੁਣ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦਾ ਮੁੱਲ 4 ਲਿਆ ਹੈ, ਬੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 5 ਤੇ ਸੀ ਦਾ 2, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ 4 ਲਿਖਤਾ, ਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 5 ਲਿਖਤਾ, ਪਲੱਸ ਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਲਿਖਤਾ,
गुणा सी की जगह की लिखांगे दो। देखियो चार गुणा पांच के आंसर आ गया जी वी आ गया, जमा चार गुणा दो के आंसर आ गया अठ आ गया, वी जमा अठ अठाई। असी की देखिया कि जेड़ा आंसर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आया सी सेम आंसर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आया। इसका मतलब यह है कि यह वंडकारी का गुण सारे नंबर सच है, सारे नंबर होल्ड करता है। सो बचियो असी अज अंक गणित के नियमों अधीन तीन नियम सीखे। सब तो पहलों असी सीखिया कर्म वटांदरा गुण जोड़दा, फिर असी सीखिया कर्म वटांदरा गुण गुणा दा, अते उस तो बाद असी वंडकारी का गुण सीखिया। इस तो अलावा बचियो तुसी अध्याय दो विच होर भी नियम पढ़े होणगे। मेरी सारे विद्यार्थियों ने गुजारिश है तुसी उस अध्याय ते जाओ अते वेरीएबल यूज करके वक् वक् वेरीएबल यूज करके उन्हां नियमां की सच्चाई पता करो कि असी वेरीएबल यूज करके उन्हां नियमां नूं जनरल रूप में डिड्यूस कर सकते हाँ। ये बच्चे सारे ने एक कार जरूर करना है इस लैक्चर तो बाद। हाँ जी, सो विद्यार्थी हो मैनूं पूरी आस है कि तुसी अज की जमात में जो जो सीख्या उसका भरपूर फायदा उठाओगे। आओ असी जाते जाते एक बार सारे विषय को रीकैप्चुलेट कर लेंगे हैं। सब तो पहलों विद्यार्थी हो असी ज्योमैट्री के दो नियमों बारे गल की सी, एक वर्ग का प्रमाप और एक आयत का प्रमाप। वर्ग का प्रमाप बचो की आप फाइंड किया फार्मूला, सारे बच्चे याद करो वर्ग का परिमाप बराबर है की किया फाइंड, वेरी गुड, पी इक्वल्स टू फोर एल। हाँ जी, इतने बच्चों एल एक चल है वेरीएबल है जिसनों के वर्ग की भुजाल भी कहा जाता है। तो सो पैरीमीटर कि आया सी पी इक्वल्स टू फोर एल। उस तो अगला फार्मूला जो असी फाइंड किया आयत का परिमाप भाव के रैक्टेंगल का पैरीमीटर। हाँ जी बच्चे याद करो की फार्मूला सी बनिया, हाँ जी वह फार्मूला सी पी इक्वल्स टू टू एल प्लस टू बी। इतने एल और बी की हैं, एल और बी इतने चल हैं, दो वेरिएबल हैं। एल लंबाई नूं प्रदर्शित करता है, बी किसका है चौड़ाई का, लंबाई और चौड़ाई नूं असीं एल और बी का नाम दिता सी। एल और बी दो वेरिएबल सन। इस तों अलावा असीं अंक गणित दे विच भी दो नियम पढ़े, एक कर्म वटांदरा दा गुण, कर्म वटांदरा दे अगे असीं दो गुण पढ़े, जोड़ दा कर्म वटांदरा अते गुणा दा कर्म वटांदरा, अते उस तों बाद एक वंडकारी का गुण सीखिया। आओ असीं जांदे जांदे उस नूं रिवाइज कर लैंदे हां। कर्म वटांदरा दे गुण दे विच असीं जिहड़े गुण पढ़े उस दे विच असीं दो वेरीएबल लए सी, याद है ना, दो वेरीएबल। कर्म वटांदरा दे गुण च ए ते बी दो वेरीएबल लए, जोड़दा कर्म वटांदरा की हुंदा बच्चिओ ए जमा बी बराबर है बी जमा ए। इसे तरह ही गुणा दे कर्म वटांदरा दे विच असीं सिख्या सी कि दो कोई वेरीएबल आ ए ते बी, उन्हां दा जे असीं क्रम बदल लईए ते उन्हां दी गुणा नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, ए गुणा बी बराबर है बी गुणा ए। इसे तरह असीं एक लास्ट गुण सिख्या सी वंडकारी दा गुण, उस दे विच असीं तीन वेरीएबल तीन चल यूज कीते अते देखिया कि इन्हां तिन्हां वेरीएबल्स नूं जे असीं वंडकारी दे गुण ते अप्लाई करिए ते साडा वंडकारी दा गुण सारी संख्यावां लई सच साबित हुंदा है। वो की सी बच्चिओ, असीं कोई तीन वेरीएबल रहे ए बी अते सी अते देखिया कि ए गुणा बी जमा सी बराबर है ए गुणा बी जमा ए गुणा सी। सो विद्यार्थियो ये साडे सारे पाठ का निचोड़ है, साडे सारे लैक्चर का निचोड़ है। मैनूं पूरी आस है कि तुसी इस लैक्चर नूं बड़े ध्यान नाल सुनिया होगा ते इसका भरपूर फायदा उठाया होगा। सो बचियो इस दे नाल ही मैं तुहाडे तों इजाजत लैना हाँ। धन्यवाद।